अक़्वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मगरबी किनारे में अल जज़ीरा की फ़लस्तीनी निजाद अमेरिकी सहाफ़ी शिरेन अबू अल खालिया के कत्ल और जुनैन में एक और सहाफ़ी के ज़ख्मी होने की शदीद मज़म्मत की है। अक़्वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने जुमा को एक बयान जारी किया जिसमें मुतासर ख़ानदान के साथ हमदर्दी और गहरे ताज़ियत का इज़हार किया गया। उसने मिसेज़ आखिला के कत्ल की फौरी और मुकम्मल शिफाफ और गैर जानबदाराना तहकीक़ात का मुतालबा किया और एहतसाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौंसिल के अरकान ने इस बात का इरादा किया कि सहाफ़ियों को बतौर शहरी तहफ़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि अबुल आखिला को बुध के रोज़ उस वक्त गोली मार कर हलाक कर दिया गया जब वो जुनैन में इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन को कवरेज कर रहे थे। इस वाक़े में एक दिगर सहाफी जख्मी हुआ है।